अतीक और अशरफ हत्या में शामिल तीनों आरोपियों ने पुलिस रिमांड में पूछताछ में जिगाना पिस्टल का राज खोला है। हत्या आरोपियों ने कबूल किया कि जो पिस्टल हत्याकांड में इस्तेमाल की गई है उसे मेरठ के एक बदमाश ने दिया था। कुख्यात शूटर जितेंद्र गोगी ने 2 साल पहले सनी को जिगाना पिस्टल दी थी। जितेंद्र गोगी की गिनती दिल्ली के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर में होती है, जिसकी 2021 में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हत्या कर दी गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रिमांड पर लिए गए हत्यारोपी सनी, लवलेश और अरुण ने एसआईटी के सामने तुर्किया पिस्टल का पर्दाफाश किया। आरोपियों ने बताया कि मेरठ से दिल्ली भागते समय जितेंद्र गोगी ने तुर्किया जिगाना पिस्टल सनी को सुरक्षित रखने के लिए दी थी। पुलिस सूत्रों से यह भी पता चला कि सनी ने जितेंद्र के लिए काम किया था। पुलिस सूत्रों की माने तो सनी, लवलेश और अरुण अतीक और अशरफ की हत्या से पहले दिल्ली में गोगी गैंग के करीबियों के ठिकाने पर ठहरे थे और इसके बाद वो प्रयागराज के लिए रवाना हुए थे। लवलेश ने अपनी फेसबुक पर पिस्टल के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा था, जिस दिन होगा दिमाग खराब उस दिन करूंगा सबका हिसाब। ऐसा ही कुछ लिखा मैसेज सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ था। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।